जैसे कि इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो ये जीरो इस तरफ टाइम जो है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस तरफ -1, -2, -3, ऑल्दो टाइम नेगेटिव में होता नहीं है, बट जहाँ पे नेगेटिव मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है। और ये एक ऐसे पार्टिकल का ग्राफ है जिस पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे होता है जिस पार्टिकल की एक्सलेशन जो है नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट को आप पोजीशन ही बोलेंगे, मतलब एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, है ना। एक ऐसा पार्टिकल जो इस इक्वेशन को ओबे करे, इट मीन्स वो उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है। तो इस ग्राफ में आपको बताना होगा कि टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड में पार्टिकल की पोजिशन, नेचर ऑफ द, नेचर मीन पॉजिटिव या नेगेटिव है, पोजिशन की नेचर, वेलोसिटी की नेचर एंड एक्सलेशन की नेचर बतानी होगी। ऐसे ही सेकेंड ग्राफ में आपने इतने टाइम और इतने टाइम पर पोजिशन, वेलोसिटी और एक्सलेशन की नेचर बतानी होगी। तो मैं फर्स्ट वन एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो सेकेंड आप उसी तरीके से करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ले रहा हूँ टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड की बात हो रही है, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ। तो पहले 0.3 सेकेंड देखिए, तो ये 0.3 सेकेंड इसके बीच में फॉल करेगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया ऊपर की तरफ पोजीशन पॉजिटिव है, अगर ये नीचे होता तो ठीक 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक पोजीशन नेगेटिव में रहेगी, फिर पोजीशन पॉजिटिव आएगी। तो 0.3 सेकेंड में अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पार्टिकल की पोजीशन तो पॉजिटिव है ना। अगर पार्टिकल की पोजीशन पॉजिटिव हो, पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स अपॉन टी, तो टी भी जहां पॉजिटिव है, एक्स भी जहां पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी भी पॉजिटिव निकली और एक्सेलरेशन जो है माइनस ऑफ एक्स, जैसे मैंने अभी बोला, तो ये पॉजिटिव है, तो देयर फोर एक्सेलरेशन इसकी नेगेटिव आ गई, है ना। ये चीज़ आप ऐसे ऐसे ही दूसरा पार्ट में अगर लेता हूँ, टी इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड पे क्या चीज़ है, तो आप देखें 1.2 सेकेंड इसकी बात हो रही है ना। ये 1 है, इट मीन इस टाइम की बात हो रही है ना। ऐसे ये 1.5 सेकेंड हो जाएगा और ये 2 सेकेंड, तो इस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन नेगेटिव है। तो इस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन जो है वो नेगेटिव है। अगर पार्टिकल की पोजीशन नेगेटिव हो गई तो वेलोसिटी भी यहां पर नेगेटिव आ जाएगी, क्यों, अगर ये हमारे पास नेगेटिव है तो टाइम, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और हमारे पास एक्सलेशन, अगर पोजीशन नेगेटिव है तो मैंने आपको बोला था ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अगर ये भी नेगेटिव है, दो बार नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्सलेशन जहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं थर्ड टाइम की बात करूँ तो थर्ड टाइम आपको दिया गया है -1.2 सेकेंड। ग्राफ में देखें तो जहाँ ये 1 है और ये 1.02, -1.2 इट मीन यहाँ पर कहीं, है ना, जैसे +1.2 इधर था तो माइनस। तो इस केस में भी हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन क्या आ रही है, नेगेटिव। तो इस केस में भी अगर मैं पहली बात करूं पार्टिकल की पोजीशन की, तो पोजीशन हमारे पास नेगेटिव आ रही है, लेकिन वेलोसिटी जो है एक्स अपॉन टी होगा, है ना। तो एक्स जो है वो नेगेटिव है, टी ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव में दिया गया, तो वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। और थर्ड हमें दिया गया एक्सेलरेशन निकालने, तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एक्स यहाँ पे नेगेटिव है ना, और एक नेगेटिव, तो देयर फोर एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन निकालेंगे। आप इस केस में भी आप देख सकते हैं टी इज इक्वल टू 0.6, तो 0.6 मीन्स इस इधर कहीं बात हो रही है, तो इस केस में पोजिशन एक्टिव है। उसी तरीके से आप दूसरा निकालिए, तो 1.4, 1.4 मीन्स कहीं जहाँ बात हो रही है ना, तो इट मीन जहाँ पोजीशन पॉजिटिव है, तो उसी तरीके से आप इनका चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव कब होना, नेगेटिव कब होना, और पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सलेशन तीनों की नेचर बता सकते हैं।